ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्र संघ की राजनीति से निकलकर प्रदेश की सियासत में अपना मुकाम हासिल करने वाले नेताओं ने एक बार फिर विधानसभा के चुनावों में अपना जलवा बिखेरा है। इस बार भी राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दिग्गज पहुंचे हैं। ये देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर के विश्वविद्यालय का कैंपस आज भी अशोक गहलोत की छात्र राजनीति के अतीत को भूला नहीं है। इसी कैंपस में गहलोत ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI को खड़ा किया। वो खुद भले ही छात्र संघ का चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन अपने छात्र संगठन को उन्होंने मजबूती दी। कांग्रेस में छात्र राजनीति से निकले चेहरों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज राजस्थान के विधानसभा चुनावों में ऐसे प्रमुख कद्दावर चेहरे चुनाव जीते हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो महासचिव रहे या फिर छात्र राजनीति में संघर्ष करके आगे बढ़े। सियासत में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई पूर्व अध्यक्ष चमके और कई पूर्व अध्यक्षों को चुनावों में हार भी मिली। चुरू से BJP विधायक राजेंद्र राठौड़ RU छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। राठौड़ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और कद्दावर राजपूत नेता की छवि है। BJP विधायक कालीचरण सराफ भी RU में ABVP से छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सराफ संघ की विद्यार्थी शाखा से सियासत में आए थे, पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं और BJP के वैश्य चेहरा हैं। कांग्रेस विधायक महेश जोशी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। जोशी सांसद और विधायक दोनों रह चुके हैं। विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। केकड़ी से कांग्रेस विधायक रघु शर्मा भी RU में अध्यक्ष रह चुके हैं। रघु शर्मा विधायक और सांसद रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार में मुख्य सचेतक थे। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास भी RU से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। खाचरियावास भैरव सिंह शेखावत के सगे भतीजे हैं। कभी BJP में थे, आज कांग्रेस के कद्दावर फेस हैं। कांग्रेस विधायक महेंद्र चौधरी RU छात्र संघ के अध्यक्ष थे। NSUI की जड़े जमाने में योगदान रहा। छात्र संघ से निकलकर प्रदेश की पंचायत में पहुंचे। नावा से पहले भी कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल RU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। अपने दम पर RU में चुनाव जीते थे। अपने दम पर RLP बना डाली। कभी भाजपा में थे, आज RLP के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा भी RU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। नवलगढ़ से आकर कैंपस में वर्चस्व बनाया। पिछले गहलोत राज में राज्य मंत्री थे। BJP विधायक अशोक लाहौटी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। ABVP से राजनीति शुरू की और संघनिष्ठ अध्यक्ष कहलाए। पहले एक बार विधायक का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इस बार पहली बार विधायक का चुनाव जीते। जयपुर के मेयर के तौर पर पदभार संभाला। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर भी RU छात्र संघ के अध्यक्ष थे। भाकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। BJP के सतीश पूनिया RU छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। पहले भी कई चुनाव लड़े लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। ABVP के पैनल में प्रणवेंद्र शर्मा बने अध्यक्ष और पूनिया महासचिव बने। वहीं चुनाव हारने वाले RU के पूर्व अध्यक्षों की बात करें तो राजपाल सिंह शेखावत इस बार झोटवाड़ा से BJP के टिकट पर चुनाव हार गए। शेखावत RU छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य सरकार में उद्योग मंत्री थे। पुष्पेंद्र भारद्वाज को कांग्रेस ने सांगानेर से टिकट थमाया था लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। मनीष यादव को कांग्रेस ने शाहपुरा से टिकट दिया था। मनीष ABVP से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। CP जोशी के कहने पर कांग्रेस में आ गए लेकिन शाहपुरा से हार मिली। छात्र संघ की राजनीति से निकलकर कई और दिग्गजों ने भी अपनी पहचान बनाई। चाहे वो कांग्रेस के कद्दावर चेहरे डॉक्टर CP जोशी हों या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। इस बार दिलचस्प संयोग है कि प्रताप सिंह खाचरियावास, महेंद्र चौधरी, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, अशोक लाहौटी ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जो एक के बाद एक लगातार कार्यकालों में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। क्षेत्रीय और चुनावी सक्रियता ने इन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचा दिया। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर छात्र और उसके बाद की राजनीति की और ध्रुव तारे के समान सियासत में चमकते सितारे कहलाए। जाहिर है इनका सियासी भविष्य उज्जवल है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।